ये दीदी पोज दे रही है, देखो इतनी फोटो खींचते हैं यहाँ के लोग, वो देखो कैमरामैन घूम रहे हैं यार बीच के, देखो दो कैमरामैन, एक ये रहा कैमरामैन यहाँ पर। ये देखो हर लेन के लिए अलग अलग बत्ती लगी हुई है यहाँ पर, सामने वालों के लिए अलग, और ये एक चौराहे पे खड़े हैं, देखो स्कूटर ही स्कूटर खड़े हैं, सामने वाला हाईवे है। और ये देखो, ये एक बात बताऊँ, यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग है ना, धूप होगी ना तो पूरी बॉडी पे जैकेट पहन के रखेंगे, मतलब मैं समझा ही नहीं, कमाल होगी यार इतना क्या धूप, इधर मैं तो कच्चे में घूम रहा हूँ। ये देखो साथ में देखो आप मेरे, और लेकिन ठीक है, ये इन लोगों को डर लगता होगा ना, काले हो जाएंगे। अभी आपको बीच दिखाते हैं, मैंने तो कल रात को देखी थी, तो रात को इतनी दिखती नहीं है बीच, थोड़े काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन इन भाई ने बीच नहीं देखी थी यहाँ पर आने के बाद एक बार भी। वियतनाम सिटी में मैं 2 तारीख को आया था, आज 7 तारीख हो गई है, तो अभी तक मैंने बीच कल रात को देखी थी इतने दिनों में, और ना नहाया हूँ मैं इसके अंदर। अरे भाई, नहाए 4 दिन से नहीं, वो बीच वाला नहाना भी नहाए, ये झूठ बोलते हैं ऐसे भाई। और देखो अभी मैं आपको सामने बीच दिखाता हूँ, टी शर्ट ना भाई, टी शर्ट खाली बदल रहा लड़का, और चड्डी वही ठीक है ठीक है, ये ऐसे में लोग ऐसे बोलते हैं, पर मैं ध्यान नहीं देता इन बातों पे। आप बीच पे देखो आप, ठीक है, ये देखो जबरदस्त बीच है। मैं तो सोच रहा हूँ डुबकी लगाते हैं लास्ट बार, यार कल मैं नहा नहीं पाया ना वियतनाम में एक बार भी, 4 दिन से नहीं नहाया। चलो डुबकी लगाते हैं बीच के अंदर, थोड़ी बहुत मजा आएगा यार, इंजॉय करना चाहिए लाइफ। हनोई में तो बीच मिलने नहीं वाली है, ये लास्ट मौका है बीच मिलने का। और यहाँ पर देखो ये ऐसी ना गोल बोट रखते हैं ये लोग, ये देखो ऐसी, ये देखो ये पता नहीं किस लिए, ये आइलैंड है सामने एक, उस आइलैंड पे जाने के लिए रख रहे होंगे, ये इंजन रख रहे हैं उठा कर लोग इसके अंदर। चलो यहाँ पर कुछ लोग वॉली बाहर रख रहे हैं भाई, सब झूठ मत बताओ, वो कुछ लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, इन देख लेंगे लोग, देख लेंगे बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेल। यार आप मेरे को वीडियो बनाने दो ना भाई, यार ये नहीं चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं वीडियो बनाता, तुम भी तो यही करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं करता मैं भाई, यार मैं तो शरीफ शरीफ सीधा साधा आदमी हूँ, जली भी है सर। चलो वहाँ काफी लोग नहा रहे हैं, उनके बीच में जाकर डुबकी लगाते हैं, चलो चलो बीच के अंदर चलते हैं। यार एक बार भी वियतनाम में बीच में डुबकी नहीं लगाई है, यहाँ पर नंगे बच्चे नहा रहे हैं, देखो यार आप। चलो अभी चलते हैं अंदर, थोड़ी बहुत डुबकी लगाते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, मज़ा आएगा अभी, है ना भाई, ये तो नहीं जा रहे हैं। अरे क्या सामान पकड़ा हूँ, कैसे जाऊँगा, अभी जाके आएंगे भाई, फिर मैं जाऊँगा, छोड़ नहीं सकते ना भाई पास, कोई ना मैं वीडियो में दिखा दूंगा ना जाएंगे या नहीं जाएंगे। चार दिन से नहीं आया लड़का, अभी नहा कर वापस निकला हूँ, अभी काफी ज्यादा भीड़ हो गई है, देखो पानी लोग काफी गरम था। हाँ पानी गरम, पानी गरम है सच में। और लोग देखो कैसे यार, और एक बात बताता हूँ, यहाँ के लोग ना पानी में बीच के ऊपर फोटो बड़ी क्लिक करते हैं कसम से यार, इतनी अब ये देखो, ये सामने देखो, ये दीदी पोज दे रही है, देखो इतनी फोटो खींचते हैं यहाँ के लोग, वो देखो कैमरामैन घूम रहे हैं यार बीच के, देखो दो कैमरामैन, एक ये रहा कैमरामैन यहाँ पर, और एक ये रहा कैमरामैन। इंडिया में भी कैमरामैन होते हैं, मैंने पहली बार कैमरामैन देखे हैं। आ जाओ आप मुंबई, अरे पूरा घूमते रहते हैं भरे भर, मैंने आज तक कभी भी कैमरामैन बीच पे नहीं देखे, इसी में यहीं पर देखे, और इंडिया में मैं आज तक कभी बीच पे गया ही नहीं हूँ, समंदर ही नहीं देखा इंडिया में आज तक मैंने, लगभग नेपाल को छोड़कर मैंने सारी कंट्रियों का समुंदर देख लिया, सारी का। नेपाल में समुंदर है ही भी कहाँ, तो फिर तभी तो कह रहा हूँ, पानी के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम है यार, बच्चे नंगे ना आ रहे हैं, मतलब अलग ही सिस्टम है, ऐसी बीच आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने ये बच्चे लोग के लिए भी होता है। हाँ यहाँ पर देखो ये ऐसी चीजें हैं यार, मैं मतलब समझ नहीं आ रहा ये सिस्टम क्या है। हेलो गोलू गोलू देखो लोग अच्छे हैं, जब भी कैमरा लेके बाहर निकलते हैं ना तो लोग हेलो हेलो हाय बोलने लग जाते हैं। यहाँ पर देखो वो भी है, शावर भी है, तो शावर थोड़ा सा ऊपर पानी डाल लेते हैं यार, क्योंकि नमक का पानी है ना तो थोड़ा अजीब सी स्किन हो जाती है, चिपचिपी सी अलग सा। ये देखो बच्चे बीच पे, हेलो हेलो
हेलो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर सच में जब भी इनको हेलो हाय बोलते हैं ना बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं कौन आगे यार ये मैं पूरे बच्चे से सच में यार लोग ना सच में मेरे मेरे पास आएंगे लोग बाल्टी से नहा रहे हाँ लोग मेरे पास आएंगे मेरी दाढ़ी के हाथ लगाएंगे और खुद बोलते हैं कि यार हमारे दाढ़ी नहीं आती इन्हें दाढ़ी नहीं आती खुद आके पास एकदम से आएंगे पास में और दाढ़ी के हाथ लगाएंगे मैं डर जाता हूँ मैं पता नहीं क्या कर रहा है बंदा यार बूढ़े लोग भी करते हैं बूढ़े लोग भी करते हैं ऐसे ये देखो बीच से बाहर निकलने के लिए इन्होंने ऐसे बनाया है ताकि पैर आपके साफ हो जाए अच्छी चीज लगी है मेरे को बहुत अच्छा ये अच्छा मैंने आज तक पहले कभी बीच पे नहीं देखा ऐसा मैं जब भी बीच से निकल कर हॉस्टल जाता था ना मेरे पैर मिट्टी से भरे हुए हॉस्टल में गंद डाल देता था मैं ये सबसे अच्छी चीज करें ये देखो यहाँ पर शावर तो नहीं है लेकिन बाल्टी से लोग पानी डाल रहे हैं तो बाल्टी से ही डाल लेते हूँ मैं भी शूज यहाँ रखते हैं चावर चल ही रहे हैं यहाँ के तो लोग बाल्टी से काम चला रहे मजा आ गया भाई बहुत ठंडा पानी है अभी हम उस शॉप पर वापस आ गए हैं जहाँ से हमने स्कूटर रेंट किया था लेकिन ये भाई कहते हैं मेरे को बीच पर फिर से जाना है हम वापस इसलिए आ गए थे क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो गया था 24 घंटे तो अभी ये भाई कहते हैं 2 घंटों के लिए और ले लो 60,000 बोल रहे हैं और 60 नहीं इनको 40 के लिए बोलो 50,000 में तो 2 घंटे के लिए और मिल जाएगी हमें हाँ तो 2 घंटे के लिए और मिल जाएगी तो भाई कहते मेरे को भी नहाना है यार पहले ये नहाए नहीं और मैंने कहा चलो अब 2 घंटे के लिए और ले लेंगे और फिर से बीच पर चले जाएंगे क्योंकि पेट्रोल तो इसमें पड़ा ही है पेट्रोल डलवाने की तो जरूरत है नहीं अपने पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है भाई पेट्रोल पहले हम लोग 2 लीटर डलवा चुके थे आप पहला वीडियो देख रहे हो हर्ष भाई का तो आपको मालूम है हाँ उसमें 2 लीटर तेल डलवाया था तो ठीक है अभी थोड़ा बहुत और घूम लेंगे क्योंकि 7:30 बजे की बस है 2 घंटे भी 2 घंटे बोला है ना अभी 4:12 हुए हैं तो अगर 6:30 बजे तक भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ग्रैब करके 10 मिनट 10 मिनट में बस स्टैंड पहुंच जाएंगे तो इसीलिए ठीक है ये देखो बच्ची देखो छोटी सी बच्चे यहाँ पे इतने क्यूट होते हैं ना हेलो वो देखो भाग गई बड़े प्यारे बच्चे बड़े प्यारे 1,30,000 40 झुक कर देते हैं चलो अभी निकलते हैं फिर से बीच पे 50,000 होते हैं 167 रुपए ये देखो इन भाई ने वॉलपेपर लगा रखा है अपने फोन में 50,000 167 20,000 67 ऐसा सब कुछ देखो कैब है बड़ी आसानी होती है ना देखना नहीं पड़ता देखे यहाँ से दे दिए पैसे हाँ चलो अभी चलो एकदम जल्दी चलते हैं देखो इन भाई की वजह से 50,000 हमें फालतू लगाने पड़े क्योंकि 2 घंटे हमने एक्स्ट्रा स्कूटर लिया था कहता मैं तो नहाऊंगा लेकिन बड़ी मजा ही नहाने यार भाई। मजा तो आया लेकिन बात देखो भीड़ देखो यार इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है ना मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है पानी के अंदर और इनके अंदर सिस्टम ऐसा है कि इन्होंने 2 रस्सियां बांध रखी है उनके बीच में ही नहाना है और बाकी बीच खाली पड़ी है पता नहीं क्या सिस्टम है और यहाँ पर वो शावर भी चला दिए अब वो बिल्कुल सही हो जाता है अभी चालू हो गया। और ये देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं मतलब कि सभी लोग शाम को आ जाते हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर शाम को खेलने आ जाते हैं अच्छी जगह है यार सच में जुहू वाली बीच मुंबई वाली इतनी अच्छी है या नहीं इससे इतनी अच्छी थोड़ी ना है पानी कितना साफ है वो इतने इसके 10 गुना लोग हैं पानी गंदा है एकदम काले हो जाओगे नहाओगे तो तेल तैरते रहता है तेल मिलेगा हेलो हाय नो इंडिया इंडिया ओके बाय हेलो बड़े अच्छे लोग होते हैं मीठे लोग होते हैं एकदम वैसे वाला अपना इंडिया वाला मीठे नहीं अच्छे लोग होते हैं हेलो कौन टिकी चलो चलो बड़े प्यारे लोग होते हैं चलो यार चलते हैं अब मेरे को पता टाइम भी नहीं है ये बिल्डिंग देखो आप बिल्कुल घास से बना रखी है इन्होंने पूरा देखो हरा हरा यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कितना भी गर्म होएगा ना तो ऑक्सीजन जाते रहेगा अच्छे से एकदम
ठंडा रहेगा अंदर का टेम्परेचर। ओहो थैंक यू सो मच बताने के लिए, हमें तो जैसे पता ही नहीं है। तो तुम बता रही नहीं अपने ऑडियंस को, मैं बता दिया ना। अब देखो चलो चलो भाई ज्ञान बहुत हो गया, टी शर्ट डाल लो और चलते हैं। ऐसे चलेंगे ना भाई। अभी देखो स्कूटर में बिना शूज के चलाऊंगा, ऐसे ही मजा आएगा। चलो